अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 हो रहे हैं और मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो आज शाम को वो खाना मेरे घर से खाएगी, यानी ऊपर से, तो उसके खाने की तैयारी करेंगे आज और बहुत मज़ा आएगा। और फिर दिन में भी बड़े इंजॉय वगैरह करेंगे। लेकिन अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं। सबसे पहले मेरी बात सुने, जो मेरे चैनल पे न्यू है ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। बस सब्सक्राइब करेंगे आप, मुझे वॉच करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आटा रात में मैंने गूंदा था और ये आटा नज़र आ रहा है। रात को सालन बनाया था मैंने, मिक्स वेजिटेबल, वो भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, जैम भी है, तो हो जाएगा नाश्ता। और बाकी फिर भी मैं नाश्ता बना लेती हूँ, लगाती हूँ तो फिर दिखाती हूँ आपको। ओके, नाश्ता हो गया रेडी। आज चाय मेरी और कामरान की है, बस बच्चों की नहीं है, बीमार है सारे बच्चे और ये उठाने लगी हुई और ये अभी तक उठ ही नहीं रहा। ये सारा घर साफ कर लिया, झाड़ू लगाया, वाइपर लगाया, ये रूम मेरा सारा, ये बच्चों का यूनिफॉर्म और बैग पड़ा हुआ है, बाकी ये खिलौने तो आपको जगह जगह ही मिलेंगे, जितना मर्जी समेट लो। बेड साफ़ है तो समझे कि घर साफ है। अभी मूसा को चेंज कराना है, पानी ख़त्म हो गया हमारा ट्यूबवेल का, कह रहे हैं कि काफ़ी दिन तक जो है ना इस तरह का। मूसा ये चल का कर ले, खोलते हैं खोलते हैं, सबर उसे वेट नहीं हो रहा, ये कूड़ा नीचे खुए में जाएगा। मूसा तंग कर रहे हैं, ना तैयार हो रहे ना कपड़े पहन रहे, छलांगे मारने लगा है। ये नंगा बच्चा मेरा, मूसा कपड़े पहनने, मूसा चलो आओ कपड़े पहने, चलो आओ कपड़े पहने, क्यों ना नंगे फिरेंगे, लोशन लगाती ही ना पहले, आप कपड़े तो चेंज कर लें। हाँ मूसा ठीक है, मूसा मूसा इधर देखें, कपड़े चेंज करने, कपड़े चेंज करो, सब्र कर जरा, कपड़े चेंज करो, नहीं इधर देखे, इधर तो देखे ना, इधर तो देखे। अरे यार चले जी, मैं इसके साथ जरा जंग करूँ, कपड़े इसको पहनाऊँ, ऐसे तो ये नहीं पहनेगा, सफर कर बताते। ए देख कपड़े क्यों नहीं चेंज करने, चलो आओ कपड़े चेंज करें, चलो नो मैं खुद लगाऊंगी, जंग हो रही है, सो रही है। ये अब तैयार हो चुका है और ये मेरी भांजा, मेरा भांजा, मेरी बहन की गोद में मेरा भांजा, मेरी बहन कुछ सोच रही, देखे सोने की चूड़ियाँ पहन के आई है। बच्चा पार्टी सो रही है, इसकी तबीयत नहीं ठीक है, शायद वोमिट किया बहुत ज़्यादा और अब भी लेटी हुई है। और वो दूसरी वाली के एक हाथ के नेल्स कट किए हैं और बांदरी आ नहीं रही, अंदर अंदर आए नेल्स कट कराओ। और फिर इसके बाद हम बाजार जा रहे हैं, ये खर्चने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, खर्च कर जा रही हूँ बाजार, जाना था साथ जन्नत ने भी, लेकिन जन्नत मैडम सीढ़ियों से गिर गई तो मुझको अकेले कोई जाना पड़ रहा, घर से निकल रही हूँ। बाजार जो चीज़ लूँगी उसकी भी वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, हमारी गली अभी तक अपनी गली में ही हूँ, ये हमारी गली, चिकन सब आ रहा है, सब्जियाँ ली हैं मैंने, ये एक सिरप लिया है,
सब्जियां मैं इधर से लेती हूँ। ये हमारे गली के बाहर है, ये सामान लिया मैंने 1000 रुपये का। और इतनी महंगाई हो गई है ना, जिसकी कोई हद नहीं है यार। और बाजार में व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। अब गर्मियाँ आती और ये सारी चीज़ें साथ साथ रही। खलारा मच चुका है किचन में फिर से। सेमियाँ बन रही हैं दूध वाली, इसमें मैंने कस्टर्ड डाली। जी खाला का पुत्र कहाँ गया? बॉल फेंक के चला गया खाला कह के। और मेरा भांजा, मेरा इकलौता शहजादा। अंदर अभी नहीं जाऊंगी, मूसा रो रहा अगर मैं अंदर गई तो उसे पिटना बचा देना, तो मुझे वो काम नहीं करने देगा। अभी स्वीट हाफ पे है, अभी स्वीट कंप्लीट होगा, फिर स्पैगेटीज बनानी है, उसके लिए सारा सामान पहले वो करना है, फिर चिकन जो है वो मैं लेकर आई थी, ये मैंने मैरिनेट करके रख दी है टिक्का मसाला में, तो चिकन टिक्का का सालन बनेगा। ये मैंने मीठा बनाया सेमिया कस्टर्ड वाली और स्माइली। ठीक है बोला खाला को, तो लाइंस लगाएंगे। ये चेक करें अभी, ये भी कर रहे हैं, बच्चों को साथ पढ़ाना भी है। बाय बाय। ये स्पैगेटी है, स्पैगेटी कॉल्सन वालों के लिए 2 पैकेट्स हैं। और यार कभी ये हाथ यहाँ से जल गया, हाथ यहाँ से कट गया, समझ नहीं आ रही आज नाबीना हुई हूँ मैं खुद। और ये इसका स्पैगेटी का मसाला तैयार हुआ है, बॉईल करके इसके अंदर डाल के मिक्स कर दूँगी। पानी बॉईल हो रहा है अभी, प्याज काटा है वो सालन के लिए ना, टमाटर भी हैं, सब कुछ लहसुन अदरक में आता था वो कारी के भी कूट रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी ना डाला है। पुत्र यहाँ आ गया चल के जो ना बुतल, वो खाला आ रही है पर। ये मेहमानों को ऐसे पेश कर, बिस्मिल्लाह। स्पैगेटीज भी रेडी हो गई हैं, अब बस सालन रह गया। मंडी की भी तैयारी स्टार्ट करती है मगरिब से पहले ही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब टाइम से हो जाए, गैस का कोई भरोसा नहीं होता, तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा ज़रा सब कुछ टाइम से हो जाए। स्टिल किचन में हूँ, चाय भी पी ली। और ये मेरा बेटा चल 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 के कौन सी दुनिया से कौन सी दुनिया में पहुँच गया। मूसा अल्लाह जी गंदा तरक्का मुँह मूसा। मेरी बेटी आयत को बुखार हुआ है, सिद्दीक के मम्मा को बहुत तिल बिच में नहीं आ। ये वो बाजी बहुत गोरे पाँव वाली एक बैठी हुई है, इधर बैठती है नमाज़ पढ़ती है, तेरी खाती है फिर नमाज़ पढ़ती है, फिर खाती है फिर नमाज़ पढ़ती है, समझ नहीं आ रही। हाय ला उस बंदे ने एक शर्ट कितनी अजीब पहन रखता है, नंगा है देख। ये देखिए अब मसाला भुन रहा है, जिस ऑयल में मैंने ये फ्राई किया था ना उसी ऑयल को क्लीन किया वापस, यानी कि उसके अंदर जो वो मसाला उतर गया था, जो भी सिस्टम था ना उसको ओके करके, तो जो है ना मैंने ये किया इस तरह से। युसरा यार वो जूसर ठीक है आप लोगों का? बहुत ज़्यादा मेहनत से बना रही हूँ, लेकिन अब आगे देखो खाने वालों को पसंद भी आएगा कि नहीं। सालन का जो है वो भी मैंने मसाला ऊपर दही वगैरह डाल के रखा है, अभी फिर इसकी बुनाई करूँगी इसकी, हाँ बुनाई करूँगी। बुनाई करने के बाद
फिर ये जो चिकन है ये इसमें डालूँगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हल्की आंच पे रखूँगी। ये हांडी तैयार हो रही है, बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और कर दूँगी दम पे। अभी जो है ना इसकी बुनाई कर रही हूँ, ऑयल ऊपर आ गया लेकिन अभी थोड़ी और बुनाई करूँगी ताकि सही से मसाला यकजान हो जाए, खाने में मज़ा आए। मैं तो भाई बना बना के ना मेरा तो दिल ही अक गया, और मुझे आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि कैसा बना रही हूँ मैं, ठीक है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है ना, तो ज़रा आप मुझे बताइएगा। बस मगरिब भी होने ही वाली है, देख लें, और बादल बहुत प्यारे आ रहे हैं माशाल्लाह। बाकी ये बहन लेकर आई थी कल टेंट हाउस, और इसमें बारी बारी सब घुस रहे हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं घुसूँ। आप बताएं मैं इतने से मैं अंदर जा सकती हूँ क्या? अजीब बात है ना इनकी भी। वैसे ऑयल ऊपर आ गया था लेकिन मैंने कहा पानी बहुत ज़्यादा है, अच्छा तो मैंने कहा पानी बहुत ज़्यादा, थोड़ा पानी कम होना चाहिए। सालन भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब बस गेस्ट का वेट। बच्चे बहुत तंग करें, मैं नीचे जाऊँ क्योंकि बच्चों को संभालो। और मैं अपना व्लॉग भी देख रही हूँ लैपटॉप पे। ये जगह बनाई है रूम में बैठ के खाने की। ये मैंने अभी सैलेड बनाया है सलाद पत्ते के साथ, वो योगर्ट है, बोतल और टिश्यूज रखे हैं। अब कैचअप वगैरह भी रखी है, प्लेट्स भी रखी हैं। बस वेट हो रहा है अब मेरे भिनोई का, वो आए तो फिर खाना शुरू करें। अभी तक ऐसे ही है, बस आएगा तो शुरू होगा। भाई मैन ऑफ द मैच तो वही है ना भाई, हमारा भिनोई भी तो इकलौता ही भिनोई है, दूसरी छोटी है, अभी तो उसका तो अभी दूर दूर तक कोई सिस्टम ही नहीं है। तो फिलहाल तो ये है ना, तो इसके लिए हमें बहुत सा दिल से करना पड़ता है और हम दिल से करते हैं क्योंकि हमारा भी एक ही विनोई है। ईमान एक इमली वाली चटनी है और एक जो है वो है केचप है। नमक डाला किसमें? नहीं वो पानी छोड़ देता ना, यूसर नमक ले क्या? नमक लेमन, लेमन तो गला ख़राब है इसलिए किसी के लिए नहीं डाला। अल्हम्दुलिल्लाह सब खाना खा के चले गए घर, और खाना बहुत अच्छा सबको लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरे घर में मेरे रिस्क में बरकत अता फरमाए। आप सब जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप सब के अल्लाह ताला रिस्क में, आप सबके घर में अल्लाह ताला बरकत और रहमतों से घर भर दे, नवाज दे। आमीन सुमा आमीन। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।